हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। ये मंथ पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। पीसीओएस, जिसे पहले पीसीओडी कहा जाता था, यह एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसे सिंड्रोम इसलिए कहा जाने लग गया है क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह के हार्मोन्स इसमें इम्बैलेंस होते हैं ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ओवरी से, हमारे अंडाशय से, महीने में एक या दो एग्स निकलते हैं और कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, ये निकलते हैं, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में मेल सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें कि एंड्रोजन्स कहा जाता है, ये भी रिलीज होते हैं। लेकिन पीसीओएस के केसेस में मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशंस ओवरी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इनके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना, वेट गेन होना, हर्सुटिज़म, हर्सुटिज़म मतलब अनचाही जगहों पे बाल आना, जैसे दाढ़ी मूछ में बाल आना, नॉर्मल बालों का झड़ना, ये मुहासे, ये सारी चीज़ें पीसीओएस में दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओएस के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है सोनोग्राफी, पेल्विक सोनोग्राफी। पीसीओएस का एक टिपिकल पैटर्न होता है जिसमें कि ओवरीज में 10 या 10 से ज़्यादा फॉलिकल्स पेरिफेरी पे नेकलेस पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसकी वजह यह है कि पीसीओएस में ओव्यूलेशन मतलब एग नहीं निकलता है, जिसकी वजह से ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते और मल्टीपल फॉलिकल्स पेरिफेरी में दिखाई देते हैं। लेकिन यदि ये सोनोग्राफी में टिपिकल फीचर नहीं भी दिखाई दे रहा है और पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो कुछ लैब टेस्ट की मदद से भी इसका डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, जिसमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट आते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, AMH। इसके साथ ही कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड टेस्ट, फास्टिंग शुगर टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। ये सारे टेस्ट पीसीओएस के केसेस में कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओएस की मेन समस्या क्या है। पीसीओएस जो है 12 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में 5 से 10% केसेस में मिलता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इंसिडेंस इससे कहीं ज़्यादा है। तो पीसीओएस के सिम्टम्स आपकी एज पर डिपेंड करते हैं। जैसे यंग लड़कियों में मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो पीरियड्स नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, मैरिड लड़कियों में प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ एडवांस एज में 30-35 की एज में वेट गेन होना और डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो पीसीओएस के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझना ये है कि डॉक्टर से ज़्यादा रोल आपका है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पीसीओएस का है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब यदि आप ओबीज हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, और यदि आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं, आप अंडर वेट हैं, तो आपको थोड़ा वेट गेन करने की ज़रूरत है। तो लीन पीसीओएस मतलब दुबले पीसीओएस से ज़्यादा ओबीज मोटे पीसीओएस का इंसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले पीसीओएस के पेशेंट्स को अपने वेट पर ध्यान देना होता है। उसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। डाइट में आपको भूखा नहीं रहना है, बस आपको डाइट को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस कि जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, आइसक्रीम आपको बिल्कुल बंद करना है। इसके बदले में आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट मतलब जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में है और फैट और कार्बोहाइड्रेट कम है, जैसे कि पनीर, एग वाइट, फिश, स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, चना, मूंगफली, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अपनी डाइट में लेना है, और मीठी चीज़ें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको वो एक्सरसाइज करने हैं जो कि आप
रेगुलर कर सकते हैं और घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है और हाई फाई एक्सरसाइज करनी है। आप सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सूर्य नमस्कार, ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब आपको ये प्रयास लगातार करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू के 1 महीने में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। रिज़ल्ट मिलने में आपको 4 से 6 महीने लगेंगे, तभी आपके वेट में और आपकी बॉडी में आपको फ़र्क समझ में आएगा। सो वेट लॉस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ PCOS। यदि आपने अपनी टोटल बॉडी वेट का 5% वेट भी कम किया है, तो ये आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सिर्फ वेट कम करने से ही आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो कंसीव कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे वेट लॉस के होते हैं। सेकेंड मैनेजमेंट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट, कि इसमें कुछ क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है PCOS के लिए। कुछ एग्जांपल हैं डायन-35, जीनेथ-35। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ड्रग है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है उसको मदद करता है काम करने में, जिससे कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ने की समस्या ना हो और आपका वेट कम करने में हेल्प मिलती है। कभी कभी यदि अनवांटेड हेयर्स की समस्या जाता है, तो हमें लेज़र ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। लेज़र के द्वारा हेयर रिमूव किए जाते हैं, और कुछ एंटी एंड्रोजन ड्रग्स जैसे कि स्पानोलैक्टोन, फ्लूटामाइड वगैरह दिया जाता है। यदि हमारे पास पेशेंट इनफर्टिलिटी की समस्या से आया है, तो हमें एग्स बनाने के लिए, मतलब ओविलेशन इंडक्शन के लिए दवाइयाँ देनी होती हैं, जो कि टैबलेट्स भी हो सकते हैं, इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। कई बार टैबलेट्स और इंजेक्शन से भी पेशेंट के एग्स नहीं बनते हैं, पेशेंट कंसीव नहीं हो पाता है, तब हमें IVF की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। बहुत ही कम केसेस में, जब इंजेक्शंस और टैबलेट से असर नहीं होता है और पेशेंट IVF के लिए भी रेडी नहीं है, तो हमें लैप्रोस्कोपी से ओवेरियन ड्रिलिंग मतलब ओवरी में कुछ कॉटरी की मदद से कुछ छेद कर दिए जाते हैं, ताकि जो हार्मोन्स एक्सेस में हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन आजकल इसके पहले हम IVF की ही सलाह देते हैं। तो हमने देखा ये कुछ तरीके हैं PCOS के मैनेजमेंट के। PCOS कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, हम सिर्फ इसके ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। PCOS जानलेवा नहीं है, लेकिन यदि PCOS अनट्रीटेड है, आपने PCOS पे ध्यान नहीं दिया, आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की इनर लाइनिंग में थिकनिंग हो जाती है, और जैसे आपको 4 से 6 महीने तक पीरियड नहीं आया है, तो वो इनर लाइनिंग काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसको शेड होने में काफ़ी टाइम लगता है, और आपको ब्लीडिंग 15 से 20 दिन और महीने भर तक भी चल सकती है। और ये इनर लाइनिंग मोटी होने की वजह से कई बार एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। दूसरा, यदि आपने अपना वेट कम नहीं किया है, आपका BMI 30 से ज़्यादा है, या आपका वेस्ट सरकमफेरेंस 35 से ज़्यादा है, तो आपको Type 2 डायबिटीज़, मेलाइटस, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि PCOS पूरी तरह से एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, जिसमें हम आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। इसलिए यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आप में PCOS के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।